हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले हफ्ते में, पहले महीने में आपके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। सबसे पहले जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो उसको पता नहीं होता है, तो पता करने के लिए वो टेस्ट करती हैं। टेस्ट करने के बाद उनको कंफर्म होता है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। सबसे पहला तो यही बात है। इसके अलावा प्रेग्नेंट जब कोई भी लेडी होती है तो खासकर जो लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है उनको कुछ भी नहीं पता होता है प्रेगनेंसी के बारे में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि कुछ लेडीज़ परेशान हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को मानसिक और शारीरिक बदलाव उनके अंदर काफ़ी सारे आते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के पहले महीने में बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, इसी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला क्या है, प्रेग्नेंट लेडी को अपनी बॉडी से पहले से ज़्यादा फूली हुई लग सकती है, यानी कि थोड़ा पूरी बॉडी में फूलापन यानी कि मोटापा आपको लग सकता है। इसके अलावा नंबर दो, एस्ट्रोजन होता है एक हार्मोन, उसका लेवल बढ़ने की वजह से आपके ब्रेस्ट का आकार बढ़ सकता है, तो आपका ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाता है। इसके अलावा नंबर तीन, बॉडी में प्रोजेस्ट्रोन नामक हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का जब लेवल बढ़ने के कारण आपके निप्पल का कलर ब्लैक हो जाता है, तो आपको आपके निप्पल भी ब्लैक दिख सकते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने में। इसके अलावा नंबर चार, ओवुलेशन के एक वीक यानी कि एक हफ्ते या फिर 10 दिन के बाद आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग हो सकती है, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, बेबी कंसीव कर लेते हैं, तो उसमें ओवुलेशन का जो टाइम होता है उसके एक हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद आपको हल्की हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, तो ये कोई डरने वाली बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये चार बदलाव आपको अपनी बॉडी में ज़रूर दिखाई देंगे अगर जब आप प्रेग्नेंट होती हैं पहले महीने में। तो और इसके अलावा पांचवा होता है, आपको डिस्चार्ज ज़्यादा हो सकता है वेजाइना से, तो ये भी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ें होना आम बात है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए निदा हेल्थ केयर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।